विधानसभा चुनाव की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। सिविल प्रशासन के मुखिया उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस प्रशासन के मुखिया एसपी दीपक कुमार पांडे, ये दोनों वो अधिकारी, पहले हम यहाँ बताना जरूरी है कि अपना लोकसभा चुनाव गुजरा है शांतिपूर्ण बिना नक्सली हिंसा के। गढ़वा जिले में चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी प्रशासन के लिए। चुनाव से पहले ही नक्सली पोस्टर चिपका दिया करते थे, गांव में खौफ पैदा किया करते थे कि मतदान केंद्र पर नहीं जाना है, वोट नहीं करना है, लोकतंत्र की व्यवस्था का विरोध करना है, और जनता भी खौफ में हो जाया करती थी, लोग मतदान करने नहीं जाते थे। लेकिन समय गुजरा, वही गढ़वा जिला जहां पर शहर मुख्यालय कौन कहे, सुदूर देहात कौन कहे, वो बूढ़ा पहाड़ का तराई का इलाका जहां पर नक्सली सालों से काबिज थे, वहां भी मतदान हुआ, वहां के लोगों ने भी मतदान देखा, वहां पर कई काम हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। जो जनता महरूम थी विकास कार्य क्या होता है, प्रशासन कैसे होते हैं, अधिकारी कैसे होते हैं, हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ हम जब मुखातिब होंगे तो उसकी चर्चा भी करेंगे। जब एसपी दीपक कुमार पांडे जी वहां पर एक मिठाई लेकर गए थे, वहां पर क्या बच्चे क्या वयस्क या समझ नहीं पा रहे थे इसे हमको करना क्या है। आज सिविल प्रशासन की ओर से कई विकास कार्य भी वहां पर किए जा रहे हैं, लोग समझ पाए हैं कि हम तो महरूम थे इस सब व्यवस्था से, आज सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए हो रही हैं, इसी से तो हमको अलग किया गया था। आज विधानसभा का चुनाव है, हमारे साथ, हम जिला समारोह के सामने मौजूद है, पीछे हमारे देख रहे हैं जिला समारोह है, हमारे साथ उपायुक्त शेखर जमुआर और एसपी दीपक माने दोनों के मौजूद है। लोकसभा का चुनाव समी साहब से मुखातिब, लोकसभा चुनाव सर पूरी तरह शांतिपूर्ण गुजरा, गढ़वा जिले में चुनाव कराना चुनौती होती थी? देखिए, अब जो समय है वो बहुत पहले का ऐसा समय है कि पोस्टल बैलेट से होता था, बहुत सारी परेशानियों को होती है, अब ईवीएम से होता है, दैट इज फुल प्रूफ, वो बिल्कुल फुल प्रूफ काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। उस दिशा में हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। गढ़वा जिले में जितने पोलिंग पर्सनल हैं, हमारे पुलिस पर्सनल हैं, सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ईवीएम हमारा मशीन्स जो है उसका भी रैंडमाइजेशन एंड कमिशनिंग वगैरह कल तक फाइनल हो जाएगा। गाड़ियों की व्यवस्था हो चुकी है, सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पोस्टल बैलेट पेपर्स के हमारे पोस्टिंग वोट्स हो रहे हैं। हमारा दो तीन गुजारिश है यहाँ के लोगों से, देखिए गढ़वा का इतिहास बहुत बढ़िया रहा है, कभी ऐसा नहीं, ठीक है नक्सली कभी था, एक वक्त था, आज के दिन में इट्स नॉट कम अंडर LWE डिस्ट्रिक्ट। तो जितने लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए वोट दे, ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी तभी माना जाएगा जबकि मैक्सिमम वोटर्स का रिप्रेजेंटेशन पोलिंग प्रोसेस में हो। प्रशासन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, इक्वल फुटिंग पर सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स को लाना है, वो प्रशासन अपने तरीके से पूरी तरह व्यवस्था कर रही है। हैश वोट देने वोट देने चलो अभियान भी ECI के गाइडलाइन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कल से शुरू कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग सारे लोगों को बोल रहे हैं कि सारे के सारे लोग उस दिन आ पाइए। उस दिन हॉलीडे रहेगा, 13 तारीख बुधवार का दिन है, हमारा पेड हॉलीडे रहेगा, जो जिस जगह पर हैं वोट देने जरूर जाएं, चाहे शहर के हो, गांव के हो, दुकान के हो, जहां कहीं भी काम कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज गढ़वा का बढ़ना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तब माना जाएगा गढ़वा के लोग बहुत वाइब्रेंट है, बहुत डेमोक्रेटिक सेटअप में उनका विश्वास है। और पुनः हम अपील करते हैं कि अपने घर से बाहर जरूर निकले, हम लोग पूरी व्यवस्था पोलिंग स्टेशंस पर रखेंगे, जितना मूलभूत सुविधाएं हम लोगों ने व्यवस्था कायम रखा है, क्यू मैनेजमेंट भी हम लोग का सही ढंग से होगा। पोलिंग स्टेशंस के बाहर 200 मीटर्स का जो दायरा जो ECI का गाइडलाइंस है वो हम लोगों ने डिमार्केट कर दिया है, उसके बाहर ही पोलिंग पार्टीज अपना जो भी कुर्सी टेबल रखना है वो रखेंगे। मेडिकल प्लान के तहत सारे मेडिकल कर्मी जो है हर पोलिंग स्टेशंस पर रहेंगे, हर पोलिंग स्टेशंस हमें और हमारा वेबकास्टिंग होगा, जिसकी वीडियो जिसकी रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से ECI या अपना रांची से देखा जा सकेगा। कहीं कोई ऐसा व्यवस्था चूक हम लोगों ने अपने लेवल से अभी तक नहीं छोड़िया, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी मशीनरी हैं, चाहे ट्रेनिंग हो, पर्सनल हो, ईवीएम हो, पुलिस हो, जितने भी मशीनरी हो सब अपना अपना जगह काम करें, करेंगे बढ़िया से करेंगे। सारी मॉनिटरिंग हमारे लेवल से, SP साहब के लेवल से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डे इन डे नाइट कर रहे हैं।
और बस यही हमारी एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप अपने माध्यम से लोगों को ये बताएं कि वोट देने जरूर आए। वोटिंग परसेंटेज हमारे लिए गढ़वा के लिए बहुत जरूरी है। वोटिंग परसेंट बढ़ेगा तभी लोग समझेंगे कि गढ़वा की जनता कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। तो सिर्फ कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम चला जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग वैसे जागरूक हैं भी मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लेकर भी, कि लोग आपस में चर्चा भी किया करते हैं कि हम ज्यादा ज्यादा मतदान करें। अगले सुबह लोग मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, जैसा कि देखा गया है लोकसभा चुनाव में भी, ये लोग सबसे पहले सोचते हैं कि हम मतदान कर ले। जागरूकता कार्यक्रम भी चलाई जा रही है हर तरीके से। ACI का इतना क्लियर कट गाइडलाइन से, और आज नहीं महीना भर से हम लोग स्वीप कार्यक्रम चला रहे हैं। जब से अनाउंसमेंट हुआ 15 तारीख सबसे हमारा स्वीप कार्यक्रम चल रहा है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं जहाँ नुक्कड़ नाटक, हम लोग लो वोटर टर्नआउट रेट था वो नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम्स करा रहे हैं। यहाँ भी हम लोग रन फॉर वोट करवा रहे हैं, परसों करा रहे हैं, कल हमारा नाइट कॉन्सर्ट हमारा पूरा टाउन एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा बहुत सारा एरिया है। हम लोग जितने व्यवस्थाएं हो सकती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग का अपना वोट दें, उस वो प्रयास में हम लोग की कहीं कोई चूक नहीं हो रही। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज अप टू द पब्लिक पीपल कि वो लोग समझे इस बात को। इस बार एक अच्छी बात है कि ये जो समय है हमारा, जो हार्वेस्टिंग का समय है, जिसे जो माइग्रेशन का एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा आबादी जो बाहर हमारा चला जाता है वो कम से कम यहाँ रहेगा, पर त्योहार का समय है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा वोटिंग परसेंटेज डेफिनेटली इस बार इंप्रेसिव होगा। एक चीज अब देखा जा रहा है कि सर परसों शुरुआत हुई जिस दिन आप लोग छठ घाट का दर्शन करने के, दूसरे मालूम चला कि जो लोग दिव्यांग है या मतदान केंद्र पर जाने में अक्षम है वहां पर जाकर के उनका वोटिंग लिया जा रहा है। सर देखिये, एक जो होम वोटिंग का जो कंसेप्ट है फॉर्म 12D, बहुत सारे लोगों ने अपनी सहमति दी है, 186 लोगों ने, उस पर हम लोग चल ही रहे हैं। वोटिंग इनफैक्ट 3 तारीख से हमारा स्टार्ट हो चुका है, घर पर जाकर प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन करते हुए उनको जो है जाते हैं, P1 P2 हमारे पोलिंग पर्सनल जाते हैं, माइक्रो जाते हैं, वहाँ पर वीडियोग्राफी होती करके लाते हैं, उन लोगों ने दिया है। उसके अलावा दिव्यांग एंड जो 85+ के लोग, उसके लोग जो लोग सहमति दिए हैं कि नहीं हम यही देंगे, आपको पोलिंग स्टेशन पर ही देंगे, तो हर जगह हम लोग व्हील चेयर की व्यवस्था रखे हैं, प्रॉपर बिजली बत्ती पानी वहाँ पर रहेगा। हम लोग उन लोग के लिए कहीं कहीं ऑटो वगैरह का भी, हम लोग बहुत जगह जहाँ उन लोग ऐसे लोग हैं उन लोग को लाने के लिए हम लोगों ने हर पोलिंग स्टेशन पर एक ऑटो का भी व्यवस्था किया, ताकि जहाँ तक हो सके हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो ऐसे हमारे डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो लोग अपना आकर अपना वोट दें। बट वोटिंग VTR बढ़ाना, अगर सिंगल पॉइंट अगर हमसे पूछा जाए गढ़वा के लिए क्या चैलेंज है, तो मेरे लिए एक चैलेंज सिर्फ और सिर्फ वही है, बाकी तो व्यवस्थाएं काम करती है। VTR बढ़े हमारा, हमारी यही गुजारिश है, हमारी यही कोशिश है। सारे लोगों से पुनः अपील करते हैं कि वोटर टर्नआउट हमारा रेट जो है वो बढ़ना चाहिए, इट शुड बी क्वाइट इम्प्रेसिव। जब हम दूसरे जिलों की बात करें तो हमारा अच्छा रहना चाहिए, निश्चित रूप से पड़ेगा। सर हमारे साथ SP साहब हैं। सर पुलिस प्रशासन के लिए बहुत एक खासियत है सुरक्षा व्यवस्था, लोगों के जेहन में बैठा हुआ है। शहरी मुख्यालय की बात करेंगे, सुदूर देहात की बात करेंगे कि कैसे मतदान केंद्र पर जाएंगे हम, क्या व्यवस्था होंगी, कैसे हम लोग को भयमुक्त माहौल में मतदान करना है। भयमुक्त माहौल निश्चित रूप से स्थापित हो चुका है गढ़वा में। हम जब बात करें उस बूढ़ा पहाड़ का तराई इलाका जहां पर खौफ रहा करता था, मतदान केंद्र पर लोग लग जाते थे, वहां भी कुछ लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में हिसातु बूथ पे मतदान हुआ, और जहां तक पूर्व की जो घटनाएं रही हैं गढ़वा जिला से जुड़ी रही हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ECI ने विशेष रूप से गढ़वा जिला में ध्यान दिया है, और यहाँ पे पैरामिलिट्री की करीब 41 कंपनियां डिप्लॉय की, और ये इंश्योर करेंगे कि जितनी भी हमारा डिप्लॉयमेंट जो प्लान होगा, जितने भी हमारे दूर दराज के बूथ हैं, जितने भी हमारे दूर दराज के पोलिंग स्टेशन हैं, सब में हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स दें, ताकि वहाँ के लोग एकदम निर्भीक होकर के घर से बाहर निकले 13 तारीख को, और निर्भीक होकर के वोटिंग अपना कास्ट करके, वोट कास्ट करके अपने घर को जाएं। जो कुछ बूथ्स हैं जो बूढ़ा पहाड़ के तराई में हैं, उसको अभी भी हम 4 बूथ्स को रिलोकेट करते हैं, मतलब दूसरे बूथ्स पे लाते हैं उनको, उनकी सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। वहाँ पर हम लोग अपना ऑपरेशन वगैरह चलाएंगे, ताकि लोग सुरक्षित आए और सुरक्षित वोटिंग करके चले जाए। अभी जब देखा जा रहा है कि सब पहले तो शहर मुख्यालय में आते हैं, जो बाहर से सुरक्षा कर्मी को बुलाया जाता है, लोगों में देखा जा रहा है कि हाँ इतने सुरक्षा कर्मी हमारे आ रहे हैं, जो शहर के साथ साथ गांव में भी जाएंगे, सुदूर देहात में भी जाएंगे, एक लोगों की भावनात्मक लगाव लोगों का हो रहा है इस व्यवस्था के प्रति,
आप देखे होंगे पूरे गढ़वा में जो हमारा थाना क्षेत्र है उस सभी थाना क्षेत्र में कमोबेश हमारी सीएपीएफ की कंपनियां हैं। जैसे गढ़वा में 5 कंपनियां भी हम लोगों ने रखी है, कहीं 3 कंपनी है, कहीं 2 कंपनी है, इस तरह से। और उन सभी कंपनियों को पर डे हम लोग निकालते हैं किसी न किसी ऑपरेशन में, पर डे कोई किसी एरिया में निकला है, कोई कहीं निकला है। तो इससे क्या है कि एक कॉन्फिडेंस की भावना पब्लिक में जग रही है कि बहुत सारा फोर्स आया हुआ है, ये हमारे लिए आए हैं, पोलिंग कराने के लिए आए हैं और हम लोग बढ़िया से पोलिंग कराएंगे। सर अभी बात करें तो कार्रवाई भी लगातार हुई है, लगातार लोग चार पीसी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त के द्वारा बताया गया है कि कई कार्रवाई हुई जिसमें करोड़ रुपए की जब्ती भी हुई है। हम लोगों ने अभी तक पूरे गढ़वा जिला में 3,04,00,000 का सीजर किया है। 3,04,00,000 के सीजर में हमारा बहुत सारा सीजर से दारू का है, अफीम का है, गांजा का है, हीरोइन का है, कैश का है, देसी दारू का है, जावा महुआ का है। तो ये सारा सीजर्स मिला करके 3,04,00,000 का है। आप लोकसभा का जो सीजर्स देखेंगे वो करीब 24-25 लाख का सीजर्स था, तो उसके तुलना में कई गुना हमारा सीजर्स बढ़ा है। इससे जो हमारी जो फोर्सेस लगी हैं उन सभी फोर्सेस को हम लोगों ने चेक नाका पे भी लगाया है, प्रॉपर वहाँ चेकिंग हो रही है। हमारा टोटल जो 3 स्टेट्स लगता है, बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी का, उस स्टेट से जो है टोटल 7 चेक नाका हम लोगों ने बनाया है और उस चेक नाका पे हमेशा चेकिंग होती है। अंदर में भी देख रहे हैं वाहनों की चेकिंग लगातार हो रही है, तो कैश भी बहुत सारा हम लोग पकड़ रहे हैं। तो ये जो ईसीआई का गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स है, जो फ्री फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन कराने के लिए हम लोगों को चाहिए, वो सारा चीज़ जो अवेलेबल फोर्सेस है हमारे पास जो सफिशियंट मात्रा में है उससे हम लोग करवा रहे हैं। निश्चित एक सवाल तो बनता है चुनाव के साथ साथ सर कि आपके नेतृत्व में जो सिविल प्रशासन का टीम है और सर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम है, एक टीम वर्क के रूप में गढ़वा जिले में काम होती है, चाहे विकास और एम्प्लॉयमेंट की काम हो, चाहे चुनाव का काम हो, कोई भी काम एक टीम वर्क के रूप में होता है सर, जो सफलीभूत होता है। दैट्स ट्रू, कहना ही नहीं है। जब सभी लोग काम करने वाले हैं होते हैं तो टीम बनी जाती है, अच्छी टीम है, कहीं कोई इशू नहीं, हर लोग अपने आप भी देखे रात 10 से 11 बजे रात तक लोग काम कर रहे हैं हर जगह जो है। इट्स अल्टीमेटली द रिजल्ट दैट काउंट्स, और रिजल्ट तभी मिलेगा जब पूरा टीम। इलेक्शन ईयरिंग एक छोटा मोटा एक्सरसाइज नहीं, आप देखेंगे तो व्हेनेवर आप लोगों से हम लोगों ने पीसी किया यही बात बोला है, कुछ भी आपको ऐसा लगे कहीं कमी हो जस्ट लेट अस नो कहाँ ऐसी कमी तक उस, इतना बड़ा एक्सरसाइज है कहना बड़ा मुश्किल है कौन कहाँ, थोड़ी सी भी चूक एक ब्लंडर हो सकता है। इसलिए जितने भी हमारी मशीनरी है, रेगुलर ट्रेनिंग, ब्रीफिंग, मॉनिटरिंग हर लेवल पर हम लोगों ने कहा, नॉट दैट कि केवल DC SP लेवल से, वन ROs भी जो है, AROs भी जो है, जितने सीनियर ऑफिसर्स हमारे हैं, DDC है, AC है, हर लोग अपने अपने जगह पर लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि लास्ट इलेक्शन लोग बहुत फ्लॉलेस निकाला। इनफैक्ट लास्ट VC हुआ था 10 दिन पहले, मैंने बताया भी था कि जब गढ़वा का नाम आया कि मिस्टेक डिस्ट्रिक्ट में, तो इट वॉज टोल्ड बाई CO सर कि नहीं, मिस्टेक फ्री था गढ़वा। तो इट्स ए कॉम्प्लीमेंट टू ऑल आवर टीम, कहीं दो मत नहीं है। इस बार ही हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल मिस्टेक फ्री, एरर फ्री हम लोग इलेक्शन कराएं, तभी हम लोग अपने आप को साबित कर पाएंगे कि नहीं इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइंस है उसके तहत हम लोग बढ़िया से कर पाए। सर मैं उस अपील भी कर दे सर आप भी कि भाई पूरी तरह से हर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, हर सुविधा मुस्तैद है मतदान केंद्र पर, आप चाहे तो शहर मुख्यालय हो या गांव देहात हो, आप वहां पर पहुंचे और पूरी निर्भयता के साथ मतदान करें। एक अपील से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई, ये घटना के पीछे जो भी कारण रहा हो, चाहे तो लोग सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं वो कारण रहा हो, या अदरवाइज और कोई रीजन रहा हो, गढ़वा पुलिस उन सभी लोगों पर हम लोगों ने सर्विलांस लगा रखा है और हम लोग नोट डाउन भी कर लिए हैं, हम लोग आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं वैसे लोगों को जो कि पर्दे के पीछे रह करके ये सारा काम कर रहे हैं, उन पर आने वाले समय में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये हम आपके माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहते हैं। दूसरा जो आपने कहा जनता से अपील, मेरी जनता से अपील है, हर एक बूथ पे, एक एक बूथ को हम लोगों ने फोर्स दिया है, हर एक बूथ पे फोर्स रहेगा, महिलाओं के लिए उतनी ही सुविधा की गई है, सभी कोई 13 तारीख को समय से निकलें, अपने घर से निकल करके 13 तारीख को अपना वोट कास्ट करें। जो हमारा वोटिंग टर्नआउट है गढ़वा जिला का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग अपने मत का प्रयोग करें ताकि अपनी एक सरकार चुन सकें। ये मेरी अपील है यहाँ की जनता से, और जनता जरूर अपील सुनेगी इस अपील को,
और भय मुक्त वातावरण में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गढ़वा जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, साथ ही शुभकामना भी सर, निश्चित रूप से लक्ष्य हासिल। तो हमारे साथ उपायुक्त शेखर जी और आरक्षी अधीक्षक दीपक कुमार पांडे जी थे। हम एक बार फिर से बता दें कि यही वो दोनों अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में पूरा टीम वर्क के रूप में काम हुआ और अपना लोकसभा चुनाव जो हाल में ही गुजरा है पूरी तरह से शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में निष्पक्षता के साथ संपन्न हुआ था। अब सामने विधानसभा चुनाव है, हम चाहे खबर नवीस हो या आम पब्लिक हो, सबके सहयोग से चाहे वो विकास योजना हो तो धरातल पर कार्य रूप में लाना हो या चुनाव कराना हो, हम सभी के सहयोग से ही प्रशासन कुछ कर पाता है। तो आपका सहयोग निश्चित रूप से अपेक्षित है। जैसे दोनों अधिकारियों के द्वारा अपील किया गया, हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि 13 तारीख को जो मतदान की तारीख है, आप निश्चित रूप से अहले सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान केंद्र पर सारी सुविधाएं मौजूद है, चाहे वह शहरी मुख्यालय हो या गांव का इलाका हो या बूढ़ा पहाड़ का तराई का इलाका हो, कहीं भी आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी, सुरक्षा की कोई कमी महसूस नहीं होगी, आपको पूरी तरह से सुरक्षा चुस्त दुरुस्त रहेगी, वहां पर मुस्तैद रहेंगे सुरक्षा कर्मी, साथ ही सभी तरह की सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। तो आप निश्चित रूप से मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करें, और सबसे बड़ा लक्ष्य जो निर्धारित किया गया, उस लक्ष्य को आप भी अपने दिल में आत्मसात कर लें कि गढ़वा जिले में इतने अधिक से अधिक मतदान करें हम मतदान केंद्र पर पहुंचकर, ताकि मतदान का जो लक्ष्य है, जो गढ़वा जिला प्रशासन जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल किया जा सके। एक बार फिर हम आपसे अपील करेंगे कि आप निश्चित रूप से 13 तारीख को जो मतदान की तारीख है उस रोज आप निश्चित रूप से पूरी तरह से निर्भीकता के साथ पहुंचे मतदान केंद्र पर, मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करें और एक सुव्यवस्थित और एक कंक्रीट सोच वाली सरकार को चुने, ताकि जिस व्यवस्था से आप महरूम है वो व्यवस्थाएं आपको मिल सके। धन्यवाद।